बर्थडे अनबॉक्सिंग करेंगे उसको सकते हैं। ये हटाओ, ये चाबी दी है, ले लो। ठीक अनबॉक्स खोलो अपना। पहले ऊपर से ये क्या है? मैजिकल मैजिकल सेलिब्रेशन, मैजिकल सेलिब्रेशन सीसीडी से। सीसीडी यहां रखो और यहां पे ऐसे निकाल लो। पता चला गिरा हमारा फोन, कट कर लेना, लपक लेगा। खाने के पिले कहाँ से क्या? A two, a three, a go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Didi. Happy birthday, Didi. I'm so lucky. My mom told me. Chocolate. You? But you hang on a size. Ish. Did it get? ये देखो क्या कर दिया, जाना लगा दिया। इधर तो वीडियो में से फोटो भी निकल आएगी। लग रहा अर्थवर्म गिरा। अब चलो ये तो पूरा सूख के देखो दही से बना। हाँ, तो अच्छा तो है। खा के देखो। ममता दीदी को मंगा आई हूँ, देख फोड़ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम मैक्स चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो मेरे आप ये 24 घंटे का चौकटा देखकर समझ गए होंगे कि मेरा बर्थडे है। तो आज है दिसंबर 30th, आज है वेंसडे और आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर में, क्योंकि हम लोग सुबह 5 बजे सोए थे तो हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं। और सुबह सुबह हमारे हबी जी ने क्या सरप्राइज दिया गाइस, क्या सरप्राइज, मतलब सरप्राइज देखो बाप ले, इतने देर चाले पूल, चाले पूल में क्या बताऊं, कितने देर चाले पूल। सुबह सुबह 10:30 बजे ये फ्लावर्स की डिलीवरी आ गई। और फिर से मेरा, मैंने बताया था ना आपको कि एक ही लाइन मेरे को उल्लू बनाने के लिए काफ़ी है। वो कुछ वो आई है, पिकअप है शायद, तो तुम खोल दो, मेरे को बहुत नींद आ रही है। मैंने बोला चलो ठीक है, हम मेरी नींद खुल गई थी तब तक। और उसके बाद फिर वही सेम लाइन से, कोई इंसान 4 बार उल्लू कैसे बन सकता है? हम बन सकते हैं, देख लो, लाइव एग्जांपल है। ये वाइट वाले रोजेस देखिए, बड्स जैसे खिले हुए हैं, और रेड वाले बस कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन ये जब मुरझा जाते हैं ना तो बहुत दुख लगता है। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम, नमस्कार, सस्रियकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, खेम नाशो, जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है नीलम, मैं बनाती हूँ डेली फैमिली फन व्लॉग्स। और अगर आपको क्यूट और क्रेजी कॉन्टेंट बहुत पसंद है और आपको ऐसी फैमिली से जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जरूर सकते हैं और शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी हमसे जोड़ सकते हैं। लेट दिस फैमिली गो क्रेजियर एंड फनियर एंड बिगर एवरी सिंगल डे। तो इसी नोट पे फटाक से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरा बर्थडे है तो एक लाइक तो बनता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, माता रानी की घंटी बजाइए, नोटिफिकेशन टिंग टिंग टिंग, शेयर करिए और कॉमेंट करिए। ये मैंने आज रिक्वेस्ट कर दिया, अब मैं एंड में करूंगी, ठीक है भाई। इसके बाद कैसे कंट्रोल करके मैं रखी हूँ खुद को, सिर्फ मैं जानती हूँ। क्योंकि ये फ्लावर्स जो है सुबह ही आ गए थे 10:30 बजे, लेकिन हमारे हबी जी सो रहे थे तो मैंने सोचा यार ब्लॉग की स्टार्टिंग करें, और मुझे भी ना बड़ा लेजी लग रहा था, मैंने चलो ठीक है लेटे रहते हैं। तो फिर जब सब लोग उठ चुके हैं तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए फटाक से। तो ये मॉर्निंग का सरप्राइज।
तो गाइज यहाँ पे हमारे हबी जी फ्लावर्स को छाट रहे हैं ताकि उसे वास में प्लेस कर सके। देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और मैं हो गई हूँ बन ठन के तैयार अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो ये रहा मेरा ब्यूटीफुल सा आउटफिट और बस हम कैब राइड अब इंजॉय करेंगे सेफ्टी के साथ और चिल करते रहेंगे ताकि हम इन ऑर्बिट मॉल पहुँच सके। हमारे घर के काफ़ी पास है तो हम उसी मॉल में जाना प्रेफर करते हैं। और आज हमारा वेन्यू है इन ऑर्बिट का चिलीज़, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से प्रिकॉशंस लेते हैं, जो टेबल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। और यहाँ का स्नैक्स का मेन्यू हम सबको बहुत पसंद है, तो बस हम यहीं आ गए हैं और स्नैक्स पर डिसीजन लेंगे। चीज़ को मुझे एक चीज़ पता है, एक और चीज़ है, पूछो क्या बताओ क्या फटे मो फटे मो कहते हैं चीज़ वाले को, गेट वाले चीज़ को तो हम लोग ने क्या ऑर्डर किया है? हम लोगों ने ऑर्डर किया है क्या है चीज़ टेक्सास ट्रिपल डिपर, ट्रिपल डिपर करके है जिसमें थ्री एनी थ्री प्लैटर्स चूज कर सकते हैं। सो वी चोज टू ऑफ टेक्सास चीज पॉपर्स एंड वन ऑफ क्रिस्पी अनियन रिंग्स। लेट्स सी कैसा है। हम लोग आए हुए हैं चिलीज में गाइस, यहाँ पर आई डोंट नो कितनी आवाज़ आ रही है, आप बोल दो। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं चिलीज में इन ऑर्बिट और यहाँ मोस्टली खाली है और स्पेशियस बना दिया है पहले से और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर है, सब लोगों ने मास्क पहन रखा है। इट्स गोइंग गुड। तो आगे वाले कम जगहों पर जाइए गाइस, अगर आपको फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना है या कुछ भी ऐसा हैंगआउट टाइप का करना है तो ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पे भीड़भाड़ कम हो। फूड कोर्ट में भी जो डिस्टेंसिंग है काफ़ी मेंटेन की जा रही है, तो हम लोग अभी फूड कोर्ट में भी जाएंगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ आ गए क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लग रही थी और आज का ये स्पेशल मेन्यू था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका शुभारंभ हम चिली से करते हैं, उसके बाद फिर बाकी करा जाएगा। तो मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही है। बाय। सही था। गाइज ये हमने कुछ नया ट्राई किया था, कॉटेज चीज़ कैसे डियाज विच वॉज वेरी वेरी गुड। एंड ये है चीज़ केक, तो ये भी बहुत अमेजिंग था। यूजुअली मैं चीज़ केक खाती नहीं हूँ बट इट वॉज रियली रियली नाइस। और यहाँ पर बस हम चिल कर रहे हैं हबी जी के साथ और वॉक ले रहे हैं क्योंकि वॉक वाइल यू टॉक सबसे मस्त है। और बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन हुआ था इन ऑर्बिट मॉल का, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही फेस्टिव वाइब दे रहा था। और मेरा बर्थडे भी ऐसे सुनहरे टाइम पर आता है ना कि पूरा पूरा देश और पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है उस टाइम पर, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ये रहे मेरे ग्लिटरी से शूज़। फिर हम लोग पहुँच गए थे बॉडी शॉप। बॉडी शॉप से मेरी सिस्टर ने मुझे एक सीरम गिफ्ट किया था और उसने अपने कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे स्किन केयर के, विच इज़ एक्चुअली रियली रियली नाइस। मैं फर्स्ट टाइम सीरम ट्राई कर रही हूँ एंड इट वॉज रियली रियली ग्रेट। हाय सेक्सी। छोटी 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 खुशियाँ, यही बहुत कुछ होती। मीठी वाली स्मेल मेरे देश की धरती। बात जैसे शहर में मिल जाए कुल्हड़ की चाय। आत्मा की तृप्ति, तन मन तन की तृप्ति, मन से क्या लग रहा है हबसी गुड़ा की मैं और गरम हॉट एंड कूल एट द सेम टाइम लाइक मिशो ना। ये लस्सी का ग्लास जिसमें हम चाय पीते हैं।
तो गाइज अब इन ऑर्बिट मॉल को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन थी इन ऑर्बिट मॉल की, बहुत ही फेस्टिव सा वाइब था। हम सब हो चुके थे एकदम थक के चूर चूर, जैसे चूर चूर नान होता है, तो बस हम घर जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इन ऑर्बिट को अलविदा कहते हैं और फिर मिलते हैं घर पर। So guys, ये है मेरा बर्थडे का आउटफिट। सो ये जो मेरा जैकेट है ये पुराना है पर ये मैंने मैक से लिया है, और ये मेरी जो ड्रेस है वो हमने मंगाई थी मिंत्रा से, और ये मेरे शूज जो है कैटवॉक के। तो ये मेरा पूरा आउटफिट था गाइज, और जो मेरे ग्लासेस रहते हैं वो तो रहते ही हैं। और बाकी अगर मेरे मेकअप लुक पर अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आज का बहुत ही ज्यादा फन डे था, थोड़ा हेक्टिक भी था, लेकिन बर्थडे है तो इतना मेहनत तो करना बनता है। और अभी जी हमारे बिल्कुल थक के हो गए हैं चूर चूर, जैसे चूर चूर नाम होता है, जैसे चूर चूर हो गए वो।